then you'll die. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल साथ मौज। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं फ्यूल मोड इन GTA 5। तो इसके लिए आपको ये चार फाइल चाहिए, इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है और GTA 5 की लोकेशन में चले जाना है। लोकेशन में जाने के बाद आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम आपने रखना है मोड्स। इसके बाद आपने अपडेट को कॉपी करके मोड में पेस्ट कर देना है, जैसे कि हमने पहले से किया हुआ है तो इसलिए हम नहीं कर रहे। इसके बाद आपने एक और न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम आपने रखना है स्क्रिप्ट्स। ये करने के बाद आपने वो चारों फाइल्स ओपन कर लेनी है और फिर से फाइल लोकेशन में चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपने स्क्रिप्ट हुक वी वाली फाइल को ओपन करके इसकी फर्स्ट और लास्ट फाइल इसमें पेस्ट कर देनी है। ये करने के बाद आपने स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट वाली फाइल में चल जाना और इसकी लास्ट 3 फाइल इसमें पेस्ट कर देनी है। ये करने के बाद आपने स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपने स्क्रिप्ट हुक फ्यूल स्क्रिप्ट वी की इस फाइल को आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है और इसके बाद आपने रिलीज में जाकर नेटिव यूआई की बहुत फाइल इस पर पेस्ट कर देनी है। तो ये करने के बाद आपने सिंपली अपनी गेम को रन कर लेना है। गेम रन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो आपने यहाँ आप अपनी कार में जैसे ही बैठेंगे तो यहाँ मैप के कॉर्नर में आपको फ्यूल शो हो रहा होगा, तो इससे तो आप देख सकते हैं कि आपका फ्यूल मोड इंस्टॉल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़। That's a fear to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go.